नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। वाराणसी तैयार है, जी हां, सज धज कर तैयार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस अब इंतजार है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे और यहां से रोड शो करेंगे। 5 तस्वीरें आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोदी मोदी की आवाज आपको हर तरफ सुनाई देगी और बीच में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा नगरी में ये रौनक देखने को मिल रही है। गंगा घाट पर किस तरह से इसे फूलों से सजाया गया है। यहीं पर आज शाम में गंगा आरती में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पूरी जो 101, आपको बता दें कि 101 स्वागत गेट बनाए गए हैं पूरे वाराणसी में, जहां से ये पूरा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद BHU जाएंगे और वहां से फिर उनका कार्यक्रम शुरू होगा। और इस बीच वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगी प्रियंका गांधी, ये भी एक बड़ी खबर सामने आ गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से अटकलें ये चल रही थी कि प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रियंका गांधी होगा। लेकिन अब यहां पर अजय राय को कांग्रेस ने फिर से उतार दिया है। 2014 में भी अजय राय यहां से प्रत्याशी थे कांग्रेस के, लेकिन अपनी जमानत तक नहीं बचा सके थे अजय राय। लेकिन इस बार एक बार फिर से मोदी वर्सेस प्रियंका होने से कांग्रेस ने इस चीज को हटा लिया है, एक तरह से बचा लिया है कहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछली बार भी चुनावी मैदान में 4.25 लाख से भी ज्यादा के अंतर से केजरीवाल से वो जीते थे चुनाव, और बाकी के जितने भी वहां चाहे BSP हो या SP के प्रत्याशी हो, कोई भी अपनी जमानत था। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि महासचिव के तौर पर इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी को लेकर आई है। और ऐसे में अगर मोदी वर्सेस प्रियंका होता है और अगर प्रियंका हारती है तो दिक्कत हो जाएगी। और आपको बता दें कि इस वक्त वाराणसी से अलग अलग जगह से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त आपको बता दें कि हिमांशु हैं, सुजीत हैं और साथ ही साथ शिवेंद्र हैं। सबसे पहले हम सुजीत आपके पास आएंगे, ये बताइए कि आपका लोकेशन क्या है, कहां पर हैं आप, और वहां पर पीछे जो रौनक देखने को मिल रही है, जो हल्की फुल्की तस्वीर मुझ तक मिल रही है, गंगा घाट दिख रहा है जहां शाम की आरती होनी है। देखिए श्रोता, हम दशाश्वमेध घाट पे हैं और यहीं पर वो जगह है जहाँ गंगा आरती होती है, रोज ही गंगा आरती होती है। लेकिन आज की गंगा आरती कुछ विशेष है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं और इसको लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। मैं कहूँगा कैमरामैन से ज़रा दिखाएँ दृश्य नज़ारा हमारे दर्शकों को भी। ये देखिए, फूलों से सजा दिया गया है, रेड कारपेट बिछा हुआ है और ये जो प्लेटफॉर्म है यहीं पे गंगा आरती होगी शाम को 7 बजे, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो रहे हैं और सामने जो चबूतरा है जो गंगा के किनारे की तरफ है वहाँ उनके बैठने का स्थान होगा। तो तैयारी चल रही है, धूप काफ़ी तेज़ है, बावजूद इसके तैयारी में लोग जुटे हुए हैं, फूलों से सजाया गया। हालांकि ये भी डर रहे थे लोग कि कहीं इतनी धूप में ये कुमला ना जाएँ, गुलाब अभी नहीं लगाए गए हैं, वो शाम में लगाए जाएंगे। तो तैयारी में कोई कमी नहीं है और यहाँ से शाम का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए, एक दृश्य और भी है पीछे, नदी के बीच में एक नाव पर मैं भी चौकीदार का एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, LED लाइट लगी हुई है, रात में वो जलेगी और काफ़ी सुंदर, उसके साथ में 2 कमल के फूल भी दिखाई दे रहे हैं। तो एक चौकीदार को लेकर जो जिस तरह की चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी जिस तरह से अटैक कर रहे थे, उसको जवाब देने की कोशिश की गई है। बीच गंगा में ये बैनर लगाया गया है, मैं भी चौकीदार का। तो काफ़ी सुंदर दृश्य है और लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है, शाम को ये दृश्य काफ़ी मनमोहक होगा। सुजीत आपसे और जानकारी लेंगे क्योंकि यहाँ पर शाम का कार्यक्रम है। इस बीच आपको बता दें प्रधानमंत्री जब वाराणसी पहुंचेंगे तो सबसे पहले BHU जाएंगे। हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, सबसे पहले आप जहां पर हैं वहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा और कितने बजे तक वहां पर पहुंचेंगे मोदी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग 4:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो BHU पहुंचेंगे और वहां से जो है महामना मदन मोहन मालवीय का जो स्टैचू है BHU के गेट पर, उस पर जो है माल्यार्पण करने के बाद वो लंका घाट से अपना जो है रोड शो शुरू करेंगे और लगभग 5 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और ये माना जा रहा है कि लगभग 2.5 घंटे इस रोड शो में लगेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के
आप देखिए पूरी तैयारियां हैं, सिक्योरिटी भी है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, उनका वेट कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, सब उनका वेट कर रही है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मैं मोदी जी का इंतजार कर रहा हूँ। अभी मोदी जी को आने में बहुत टाइम है, जब तक आएंगे तो आप और काम कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि मोदी जी के लिए ही इंतजार कर रहे हैं आज? आज उनका विशेष दिन, आज उनका नाम रोड शो है, इसलिए हम लोग इसके लाए हैं। और तो काम होता ही इसीलिए आए हैं। हाँ, सब स्वागत करेंगे। ओके, यहाँ पर आपको दिखा दूं कि मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो है 80 चौराहा, और आप देखिए कि सारी जगहों पे सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता दिखते हैं। और जो रोड शो जाएगा तो जो घर है वहां से पुष्प वर्षा की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के ऊपर। ये कहा जा रहा है कि पूरे 120 क्विंटल तक जो है वो पुष्पों की वर्षा की जाएगी इस रोड शो के अंदर। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं कि वाराणसी में उनकी पॉपुलैरिटी कैसी है, पिछले 5 सालों में जो उन्होंने काम किए हैं, यहाँ की जनता किस तरीके से उसका रिवर्ट उनको करना चाहती है प्यार देकर, और यही प्यार वो आज दिखाना चाहेंगे शायद इस रोड शो के जरिए। आपसे और जानकारी लेंगे और चलेंगे शिवेंद्र के पास भी हम और जानकारी के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।